बैक टू द मैथ फॉर यू, आप सभी के लिए अपडेट है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है, सेकंड लिस्ट दोस्तों आ चुकी है और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ सारी बातें इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल जुड़ जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, समझते हैं। यहाँ पर देखिए द्वितीय काउंसलिंग है, तो सोचना द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन बहुत तेजी से काम हो रहा, 29 तारीख को रखा गया है, ठीक है। अभ्यर्थियों के एक सेट उनकी स्व प्रमाणित छाया प्रति के साथ 29-9 को प्रातः 10:30 बजे उत्तराखंड मुक्त विद्यालय परिषद के 3 बाईपास रोड हल्द्वानी उत्तराखंड में उपस्थित होंगे। ये सारी दोस्तों चीज़ें, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, हाई स्कूल से लेकर स्नातक के सभी अंक प्रत या उपाधियों की, ये सब कुछ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एनसीटी द्वारा, ये नॉर्मल बीएड का है दोस्तों, नॉर्मल बीएड की ये सेकेंड लिस्ट है। एनसीटी द्वारा जो आपने जैसे डीएलएड बीटीसी किया उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चीज़ें। एनओसी का है, अगर आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर संबंधित विद्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा आपको बनवाना, उसका भी फॉर्मेट मैंने दोस्तों टेलीग्राम में अपने डाल दिया है, ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसलिंग का ₹500 देना है। काउंसलिंग के पश्चात आपकी जो फीस होगी ये देखिएगा, 10,250 की धनराशि प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश शुल्क के रूप में बैंक चालान, डेबिट कार्ड या QR कोड्स के माध्यम से, बहुत आसान है, तो बैंक चालान की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग डेबिट कार्ड या QR कोड अर्थात UPI के माध्यम से भी हो जाए। काउंसलिंग के लिए उपस्थित सभी लोग ABC ID बना के, ABC ID बनाने दिए गए लिंक पर क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं, ठीक। काउंसलिंग के लिए बुलाए जाने का अर्थ ये नहीं कि आपका प्रवेश हो गया है, ठीक है, मतलब वहाँ पर भी आपका डाकुकरण रिपोर्टिंग समय अपराह्न 3 बजे तक ही है, मतलब 3 बजे तक ही आप लोग वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, ठीक। लिस्ट में नाम देख लीजिए आपका है कि नहीं है, मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये सारी लिस्ट है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा ये, ठीक। परसेंटाइल इन ग्रेजुएशन जर्नल, ये सब कुछ दिया गया, ऑप्टेंट मार्क्स दिए गए हैं, लगभग जो बच्चे हैं आप अगर देखेंगे 66 मार्क्स तक सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 74 बच्चे, सारी कुछ डिटेल है, ये सब कुछ है, और साफ साफ ये दिया गया नोटिस पढ़ लीजिए, निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों की प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की दिशा में, सपोज दैट एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके समान अंक है तो स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर प्रवेश हेतु वरीयता दी जाएगी। यहाँ वरीयता का क्रम अलग है, अर्थात ग्रेजुएशन में जिसका जैसा परसेंटेज होगा वो मैटर करेगा। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैथ वाले साथ, मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक।